ये कहानी तब की है जब बड़े ही हौसले और उत्साह के साथ राम जी की वानर सेना रावण को हराने और माता सीता को मुक्त करवाने के लिए राम जी के साथ श्रीलंका की ओर बढ़ रही थी। वो जब आगे बढ़ रही थी तो विशाल समंदर देखकर रुक गई। फिर लक्ष्मण ने राम जी को एक बाण दिया जिससे वह पूरा समुद्र सूख जाता, लेकिन फिर जैसे ही श्री राम जी ने तीर कमान संभाला उतने में समुद्र देव जी उनके सामने प्रकट हुए। प्रभु कृपया ऐसा ना करें, आप भली भांति जानते हैं कि आपके इस बाण से सारा समुद्र पल भर में सूख जाएगा। मुझ पर ऐसा अन्याय मत कीजिए प्रभु, अगर आप चाहें तो आप समुद्र पर सेतु बनाकर ये समुद्र पार कर सकते हैं। आपका ये सुझाव हमें पसंद आया समुद्र देव, इस तरह तो हम दोनों की समस्या का हल निकल जाएगा। इसके बाद श्री राम की वानर सेना सेतु बनाने लगी। नल और नील पत्थरों पर राम लिखते और बाकी की सेना उन्हें समुद्र में उठा कर रखती। उन पत्थरों पर श्री राम का नाम लिखने से वो पानी में डूबे नहीं और ऊपर की ओर तैरने लगे। ये देख सभी वानर सेना बहुत खुश हुई। फिर सेतु बनने का निर्माण कार्य जोरों शोरों से शुरू हुआ। समुद्र किनारे भी श्री राम लक्ष्मण और हनुमान जी के साथ ये सारा नजारा देख रहे थे। तभी वानरों ने आकर हनुमान जी से शिकायत की। प्रभु सारा कार्य ठीक ठाक से हो रहा है, लेकिन एक छोटी सी गिलहरी सागर के तट पर इधर उधर घूम रही है। अगर कहीं वो हमारे पैरों के नीचे आ गई तो दबकर मर जाएगी। शरीर पर रेत लपेटकर उसे सेतु पर आकर गिरा देती। हनुमान जी उस गिलहरी की मंशा समझ गए। उन्होंने जाकर गिलहरी की पूंछ पर पांव रख दिया। तभी गिलहरी चिल्लाई, हे राम हे राम। गिलहरी की चीख पुकार सुनकर राम जी वहां पर आए और उन्होंने गिलहरी को अपने हाथ में उठाकर पूछा, गिलहरी इन बड़े बड़े वानरों के बीच भला तुम क्या कर रही हो? प्रभु सेतु पर बड़े बड़े पत्थर हैं, यह पत्थर आपके पाँव में न चुभ जाए, इसीलिए मैं रेत लाकर इन पत्थरों पर डाल रही हूँ। इससे आपकी राह कुछ आसान हो जाएगी। वानरों को आपकी सेवा करते देख मेरे मन में भी यह अरमान जागा कि मैं अपने प्रभु की कुछ सेवा करूँ और इस राम सेतु में मैं भी अपना योगदान दूँ। गिलहरी तुम्हारे रेत के कुछ कण डालने से भला क्या ही होगा? प्रभु आप सत्य कह रहे हैं, मैं इस सृष्टि की इतनी लघु प्राणी होने के कारण इस महान कार्य हेतु आखिर कर भी क्या सकती हूँ और इसका भला मूल्यांकन भी क्या होगा। प्रभु पत्थर उठाना तो मेरे बस में नहीं, इसलिए मैं ये बालू ले आई। मेरी ये छोटी सी सेवा प्रभु आप स्वीकार करें और मुझे अपनी शरण मिलें। गिलहरी की बातें सुनकर राम जी बहुत प्रभावित हुए और फिर मुस्कुराते हुए बोले, गिलहरी तू इतनी छोटी सी है, हनुमान ने जब तेरी पूंछ पर पांव रखा तो तुझे बहुत दर्द हुआ होगा ना? बता इसके लिए मैं हनुमान को क्या दंड दूं? प्रभु यह तो हनुमान जी के चरणों की कृपा थी कि उनके चरण मुझ पर पड़े और मैं आपके हाथों में आ गई और मुझे आपकी कृपा मिली। तुम नन्ही सी जान हो, अतः मेरे प्रति तुम्हारा ये समर्पित प्रेम अतुलनीय है। संसार में तुम जहाँ कहीं भी रहोगी लोग तुम्हें देखकर मुझे याद करेंगे और मेरी परम भक्त मानकर तुम्हें सदैव अच्छी दृष्टि से देखेंगे। मैं तेरी ये सेवा कभी नहीं भूलूंगा। रघुकुल पर तेरा ये एहसान रहेगा, युगों युगों तक तेरी ये कथा सुनाई जाएगी। फिर भगवान श्री राम ने जब ये वचन कहकर प्यार से अपनी उंगलियों से उस गिलहरी को सहलाया तो उसी दिन से गिलहरी की पीठ पर राम जी की उंगलियों के निशान धारियों के रूप में उस पर छप जाते हैं। तभी से ये माना जाता है कि गिलहरियों के शरीर पर मौजूद धारियां और कुछ नहीं बल्कि भगवान राम की उंगलियों के निशान। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान राम ने त्रेता युग में सारे कार्य संपन्न कर लिए थे और उनकी सारी लीलाएं समाप्त हो चुकी थी। धरती पर उनके जीवन की अवधि भी समाप्त होने का समय आ चुका था, लेकिन समय समाप्त होने के बाद भी मृत्यु के देवता यमराज भगवान राम के समीप उनके प्राण हरने नहीं आ पा रहे थे,
क्योंकि रामदूत हनुमान भगवान राम के प्राण रक्षक थे, जो स्वयं महाकाल का एक रूप है, और महाकाल से उनके आराध्य भगवान राम के प्राण छीनने की हिम्मत ना तो किसी काल में थी और ना ही किसी अन्य देवता में। काल चक्र और समय चक्र को आगे बढ़ाने के लिए भगवान राम की मृत्यु होना जरूरी था। ऐसे में भगवान राम ने एक उपाय निकाला और अपनी एक अंगूठी महल के किसी छेद में गिरा दी और हनुमान जी से बोले, हनुमान, मेरी प्रिय अंगूठी धरती में वहाँ उस छेद में चली गई है। क्या तुम पाताल लोक से मेरी अंगूठी ढूंढकर ला सकते हो? प्रभु, बस इतनी सी बात, मैं अभी जाता हूँ और शीघ्र ही आपकी अंगूठी लेकर आता हूँ। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने पाताल लोक में चले गए। वो अंगूठी को पकड़ने जाते और वो और नीचे चली जाती। हनुमान जी पाताल लोक में पहुंचे। वहां वो नागों के राजा नागराज से मिले। नागराज ने उन्हें अंगूठियों से भरा एक कक्ष दिखाया। इस कक्ष में बहुत सारी अंगूठी रखी हुई हैं। आप प्रभु राम की अंगूठी ढूंढ सकते हैं। यहाँ तो बहुत सी अंगूठियां पड़ी हैं। इनमें से प्रभु राम की कौन सी है, ये मुझे देखना होगा। राम जी की युक्ति काम आ गई। हनुमान जी अंगूठी ढूंढने लगे। इसमें उन्हें काफी समय लग गया। हनुमान जी को अयोध्या में न देखकर यमराज ने अयोध्या में प्रवेश किया और वे एक संत का रूप धारण कर भगवान राम जी के महल में पहुंच गए। तब संत के भेष में यमराज भगवान राम से मिले और भगवान राम से बोले, प्रभु, आपको मुझे वचन देना होगा कि हम दोनों की बातों को गुप्त रखा जाए और जो कोई भी हमारी बातों को सुने उसे मृत्यु दंड दिया जाए। आप निश्चिंत रहिए, मैं इसी क्षण सभी द्वारपालों को बाहर भेज देता हूँ। राम जी ने लक्ष्मण को बुलाया और उनसे कहा, लक्ष्मण, ये मुनिवर मेरे साथ कुछ गंभीर वार्तालाप करना चाहते हैं। तब तक तुम द्वार पर ही पहरा देना और कोई भी अंदर ना आने पाए इस बात का ख्याल रखना, वरना तुम मृत्यु दंड को प्राप्त हो जाओगे। जो आज्ञा भैया, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा। लक्ष्मण के जाने के बाद उस संत ने भगवान राम को अपना असली रूप दिखाया और बोले, हे प्रभु, मैं आप ही का सेवक हूँ और आपने ही मुझे ये कर्म दिया है कि इस संसार से समस्त जीव जंतु एवं प्राणियों का प्राण हरना, और ये मेरा धर्म भी है। मैं भगवान शिव और ब्रह्मा की आज्ञा से आपसे ये कहने आया हूँ कि आपने जो अपना समय इस पृथ्वी लोक पर निश्चित किया था वो समय पूर्ण हो चुका है और अब आपको अपने धाम लौट जाना चाहिए। इससे सभी देवी देवताओं में आपको विष्णु स्वरूप में देखकर उत्साह की लहर दौड़ जाएगी। इस पर भी, हे प्रभु, आपको कुछ और समय इस पृथ्वी लोक पर बिताना है तो आप रह सकते हैं। भगवान राम तो अंतर्यामी है। वो यमराज की बातों को सुनकर मंद मंद मुस्कुरा रहे थे। भगवान राम और यमराज के बीच वार्तालाप चल ही रही थी कि इतने समय में भगवान राम के महल में दुर्वासा ऋषि आ पहुंचे। प्रणाम गुरुवर, कहिए, मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? हमें भगवान राम से मिलना है, अभी तुरंत। गुरुवर महाराज, भैया राम अभी किसी से नहीं मिल सकते। उन्होंने किसी को भी कक्ष में न आने का आदेश दिया है। मैं उनके समक्ष नहीं जा सकता। लक्ष्मण की बातों को सुनकर दुर्वासा ऋषि को क्रोध आ गया और वो श्राप देने लगे, मेरा इतना घोर अपमान, अगर मुझे राजा राम से नहीं मिलने दिया गया तो मैं पूरी अयोध्या नगरी को अपने श्राप से जलाकर भस्म कर दूंगा। अगर मैं इन्हें भैया के महल में जाने दूं तो सिर्फ मुझे ही मृत्यु दंड मिलेगा, लेकिन अयोध्या नगरी तो बच जाएगी। गुरुवर, मैं भैया को आपके आने की सूचना देकर आता हूँ। लक्ष्मण भगवान राम के कक्ष में चले गए। लक्ष्मण को सामने देख भगवान राम चौंक गए और यमराज अंतर ध्यान हो गए। राम जी दुखी हुए कि एक राजा होने के नाते उन्हें लक्ष्मण को मृत्यु दंड देना होगा। राम जी ने अपने कुलगुरु से इस विषय में वार्तालाप किया। राम, किसी अपने का त्याग करना भी मृत्यु दंड के बराबर है, इसलिए तुम लक्ष्मण का त्याग कर दो। लक्ष्मण ने गुरुदेव और राम जी के बीच हुआ वार्तालाप सुन लिया और वे श्री राम से बोले,
भैया आप मेरा त्याग मत करना, मैं ये सहन नहीं कर पाऊंगा। आपके वचन का पालन करते हुए मैं स्वयं ही अपने शरीर का त्याग कर दूंगा। लक्ष्मण ने अपने भ्राता श्री राम का वचन निभाने के लिए अयोध्या की सरयू नदी में समाधि लेकर शेषनाग का रूप ले लिया और फिर भगवान विष्णु के निवास स्थान क्षीर सागर में जाकर उत्पन्न हो गए। उसके बाद भगवान राम भी लक्ष्मण के वियोग में थे, उन्होंने भी सरयू नदी में जाकर जल समाधि ले ली और अपने परम धाम को चले गए। उसके पश्चात हनुमान जी जब अंगूठी लेकर वापस लौटे तो प्रभु राम को महल में न पाकर हनुमान जी बहुत दुखी हुए। प्रभु, आपने जानबूझकर मुझे पाताल लोक में भेजा था ताकि मैं आपको रोक ना सकूं। प्रभु, आपकी आज्ञा पाकर मैं धरती पर ही रहूंगा और जहां कहीं भी आपके नाम का भजन और कीर्तन होगा वहां मेरी कृपा हमेशा बनी रहेगी। हनुमान जी को भगवान राम जी से अमरता का वरदान प्राप्त है, इसीलिए कहते हैं कि आज भी जहां कहीं पर भी भगवान राम के नाम का भजन कीर्तन होता है वहां हनुमान जी अवश्य आते हैं और भक्तों को अपना आशीर्वाद देते हैं।